तो आप लोग अभी तक वॉच एन एंजॉय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर लाल बटन जो है सब्सक्राइब लिखा है इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर बेल के बटन को आप लोग क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन अलर्ट पा सकते हो सबसे पहले। ए नमस्कार दोस्तों, वॉच एन एंजॉय माई चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे 8 GB जो है LED लाइट, इसका अनबॉक्सिंग और इसका काम क्या क्या है। तो आप लोग जो है अपने डेस्कटॉप को अपने हिसाब से LED के थ्रू से लाइटिंग कर सकते हो, मतलब लाइट अप कर सकते हो। तो कुछ स्क्रीन में फोटो देख रहा है, कुछ इस तरह आप लोग जो है अपने डेस्कटॉप को इस RGB LED लाइट से सेटअप कर सकते हो दोस्तों। तो सिंपली ये मैं लोकल मार्केट से खरीदा हूँ। आप लोग इसमें इसको जो है खरीदने में इंटरेस्ट हो तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप लोग खरीद सकते। तो इसका अनबॉक्सिंग करके देखता हूँ कैसा ये आया है और इसमें क्या क्या फीचर्स आप लोग को मिलता है दोस्तों। ये देखने में कुछ इस तरह पैकेट काउंटर में आता है। यहाँ पर ये ओपन करके देखता हूँ, तो यहाँ पर एक एडाप्टर मिलता है, सिंपली आप लोग देख सकते हो ये है एडाप्टर जो आउटपुट 1.5 वोल्ट देता है AC DC आउटपुट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक RGB रिमोट मिलता है। तो इस रिमोट का काम क्या है आप लोगों को मैं बोलता हूँ। ऑन ऑफ कर सकते हो और यहाँ पर जितना सारा कलर है कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हो, अप और डाउन वॉल्यूम अप अप। यहाँ पर जो है लाइट को जो है आप लोग बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ सकते हो, कमाना चाहते हो तो कम, लाइट अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पर फ्लैशिंग कर सकते हो, फ्लैश फेड धीरे धीरे से होगा। तो सिंपली इसको देखता हूँ। उसके साथ यहाँ पर जो है आयर ब्लास्टर का साथ साथ यहाँ पर जो है यहाँ पर RGB कंट्रोलर बॉक्स आता है दोस्तों। तो ये बॉक्स से ही जो है ये रिमोट काम करता है। ये बॉक्स सेट नहीं करेंगे तो फिर लोग रिमोट काम नहीं करेगा और अलग अलग डिज़ाइन में LED नहीं जलेगा दोस्तों। तो ये है 5 मीटर का LED स्ट्रिप, तो सिंपली आप लोग देख सकते हो ये 5 मीटर का है, बहुत लंबा है, ठीक है। और ये सेटअप कुछ इस तरह करना यहाँ पर इस तरह करना पड़ता है, वो है यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हो स्क्रीन में। यहाँ पर जो है एक एरो है, देखिए ये एरो जो है सिंपली इस तरह मिलाना पड़ता है दोस्तों, सिंपली ये एरो इस तरह मिलाना पड़ता है, उसके बाद ये जलेगा। मतलब क्या है दोस्तों, दो एरो आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है एडाप्टर को सेट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है लाइट में लगाता हूँ, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लाइट सेटअप कर दिया, कुछ इस तरह LED ग्लो करता है। उसके बाद रिमोट का क्या काम है दोस्तों, देखिए मैं रिमोट में चेंज करूँगा जो जो वो होगा। ये है ऑफ़ का स्विच, ऑफ़ करेंगे ऑफ हो गया। ये ऑन का ऑन स्विच, ये है रेड रेड ग्रीन ऑरेंज ब्लू येलो वायलेंट, ठीक है। यहाँ पर जो है लाइट को कमाना चाहते हो तो कम यहाँ पर जो है कम हो जाएगा कुछ इस तरह, देखिए LED का ग्लो कम हो गया। उसके बाद ये LED का ग्लो जो है बढ़ाना चाहते हो तो ये ऐसा प्रेस करके रखें तो LED ज़्यादा ग्लो करेगा दोस्तों। तो ये फेड का सिस्टम जो है, फेड आप लोग देख सकते हो, फेड का कुछ अलग से डिज़ाइन है, ये फेड कर रहा है। और ये यहाँ पर जो जो है स्ट्रोक करेगा, फ्लैश मतलब फ्लैशिंग करेगा, इस तरह स्मूथ मतलब स्मूथिंग करेगा। तो सिंपली इस तरह आप लोग जो है अपने डेस्कटॉप को सेटअप कर सकते हो। और इसका कैसे सेटअप कर सकते हो अपने डेस्कटॉप में डिज़ाइन करके, तो उसका वीडियो अलग से मैं बनाएंगे। आप लोग सिंपली मेरे चैनल पे बने रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो इसका जो है सेटअप कैसे कर सकते हो उसका बारे में बोलेंगे दोस्तों, उसका वीडियो दिखाएंगे दोस्तों। ये 5 मीटर है, बहुत लंबा है, सिंपली आप लोग जो है इसको अपने
डेस्कटॉप में सेट करवा सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं ज़रूर हेल्प करेंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आप लोग कैसा सेटअप चाहते हैं। दोस्तों मैं सिंपली उस सेटअप बना के आप लोग को दिखाएंगे। मिलता हूँ दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।